एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। आज हमारी जो टीम है, यह टीम पहुंची थी राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो विधायक है मनोहर चंद्रिका पूरे, इनके इलाके का हमारी जो टीम ने जायजा लिया था। महज मोरगांव अर्जुनी जो विधानसभा है उससे यह लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ बसा हुआ यह गाँव है इटखेड़ा। यह इटखेड़ा गांव की जनता जो है वह क्या कहती है विधायक के बारे में, वह मैं आपको दिखा देता हूं। पहले दर्शकों नमस्कार, हम लोग इस वक्त मौजूद है मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र का, यह गांव है और यह गांव 63 विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां के जो विधायक है राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक है चंद्रिका पूरे, मनोहर चंद्रिका पूरे, यह यहां के विधायक है। आज हम उनके इस विधानसभा क्षेत्र के इस गाँव में, इटखेड़ा करके गाँव है, इस गाँव में आने का हमारा मकसद ये था कि पिछले 2 वर्षों में विधायक ने क्या क्या काम किए हैं, जनता के बीच में उनकी क्या लोकप्रियता है, इस बारे में हम जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो गांव वाले कुछ जुड़े हुए हैं, हम उन गांव वालों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके क्षेत्र में उनके जो निधि होता है या उनकी इस गाँव को किस तरीके से विकास की राह में उन्होंने लाया है, इस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हेमराज लोनारे। लोनारी जी बताइए, जो विधायक है चंद्रिका पूरे, उनके माध्यम से आपके इस गांव में क्या क्या योजना चली? अभी तक तो कुछ योजना नहीं चली है। वो आए हैं इस गांव में तब? अभी जब से वो चुनाव चुन के आए हैं तब से अभी तक तो नहीं देखे हमने। तब से आपने उनको यहां नहीं देखा है। अच्छा, क्या लगता है वो, जैसा अगर उनको आपको अगर नंबर देने हो तो 1 से लेकर 10 नंबर के बीच में आप कितने नंबर दे पाएंगे? अभी तो नंबर तो नहीं गिन सकते क्योंकि वो 0 हो सकता है उनका, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अच्छा, तो आपको कुछ भी क्या लगता है कि भाई उनका विकासात्मक दृष्टिकोण इस गांव के प्रति कैसा रहा? उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, अरे आपको लगता है कि उनका इस विकास की राह में उन्होंने इस गांव को ले या नहीं है? अभी तक के 2 वर्ष तो हो चुके हैं। कोविड में उन्होंने कोई मदद की थी आपके गाँव में? हमारे गाँव में कोई मदद नहीं आई। कोई मदद नहीं आई आपके गाँव में। क्या नाम है आपका? राकेश, राकेश सीताराम शिंदे। शिंदे जी बताइए, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो विधायक है मनोहर चंद्रिका पूरे, आप उनको पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। अच्छा, वो कितनी दफा आपके गांव में आए हैं? चुनाव के पहले बहुत दफा आए। चुनाव के पहले आते थे? हाँ, चुनाव के पहले हर प्रोग्राम में आते थे। अच्छा, किसी के यहाँ कोई ये अपना बर्थडे का प्रोग्राम हो, किसी के सारे चीजें जो भी होते थे, जैसे शादी ब्याह जो भी कार्यक्रम, वो आते रहते थे। अब वो नहीं आए हैं? नहीं आए जी। अच्छा, इस बार बताइए रोजगार के लिए कुछ उन्होंने कुछ यहाँ साधन मुहैया कराया इस गांव में? नहीं नहीं नहीं, रोजगार का तो कोई साधन, कोई साधन नहीं है। अच्छा, उनके आपको ऐसा कोई पता है कि उनके माध्यम से इस गांव में कुछ उनके निधि से डेवलपमेंट हुआ है? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी डेवलप। कितने नंबर देंगे आप उनको 1 से लेकर 10 के बीच में? 0 से ले लीजिए नंबर, कितने नंबर दे पाएंगे? अभी हम तो क्या, अभी 0 ही नंबर दे देंगे क्योंकि हमारे गाँव में 0 ही है उनका। अच्छा, 0 ही है उनका। क्या नाम है आपका? संजीव महादेव लोनारे। लोनारे जी बताइए कि यहाँ के जो विधायक है मनोहर चंद्रिका पूरे, उन्होंने इस गांव के लिए क्या क्या किया हुआ है? अभी तक कुछ किए नहीं क्योंकि 2 वर्ष हो चुके हैं। नहीं ना, अभी तक कुछ नहीं किए। आपके गांव में कितने दफा आए हैं वो? वो चुनाव के पहले आए थे, जैसे अपन के गाँव में कुछ कार्यक्रम रहा मंडे वगैरह कुछ। अच्छा, उस कार्यक्रम में बात है। अच्छा बताइए, अभी 2 लॉकडाउन गए हैं, 2 महामारियों की 2 लहरें अपन ने झेल चुके हैं, इस बीच में उनके तरफ से कोई सहायता वगैरह गांव वालों? नहीं नहीं, अभी तक कुछ भी कोई सहायता नहीं वगैरह? नहीं नहीं, कोई सहायता नहीं मिल पाई। क्या नाम है आपका? कुंडली घुगु लोनारे। अच्छा लोनारे जी बताइए, जो मनोहर चंद्रिका पूरे है, यह 63 विधानसभा के विधायक है यहाँ के राष्ट्रवादी से, तो उनके बारे में इस गांव में क्या क्या उन्होंने विकास किया है? विकास नहीं किया, वो 2 बार आए थे अभी। अच्छा, 8 दिन के बाद ये आए थे अभी। अच्छा, और उसने विकास ये किया, अभी वो गांव की बिजली बंद थी। अच्छा, अर्जुन मोरगांव तालुका, हाँ, सड़क अर्जुन तालुका, हाँ, तो उसने पैसे भर कर बिजली चालू कर दिया। यानी जो लोगों ने अच्छा मुझे एक बात बताइए, बिजली चालू कर दिया आपने बोला, बहुत अच्छा विषय बताया आपने। देखिए, हम कुछ ग्राम पंचायतों में पहले जा चुके हैं,
ग्राम पंचायत के सरपंच और वहाँ के पदाधिकारियों को हमने बोला था कि भाई आप अपने गांव में जो रास्ते नालियाँ बना रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी, और जब उनने वो काम कर लिया बिना आवश्यकता अनुसार उन्होंने काम किया और उसके बाद उनका जो पैसा था उनके खाते से ख़त्म हो गया, तो उन्होंने जिन लोगों के तरफ तकादा था यानी जिनके तरफ बकाया बाकी था घर टैक्स वो वसूलना चालू किया, और बिजली की जो बिल की उनकी जो रकम थी लगभग एक एक गांव की 3-3 लाख रुपए थी। तो ऐसी सिचुएशन में आप बताइए कि गांव का जो मुखिया होता है अगर वो इस तरीके से अंधकार में अगर ढकलता है तो वो गलत है कि सही है? वो सही है। अच्छा, तो फिर गांव का पैसा जब उन्होंने खर्चा कर दिया, बेमाने ढंग से खर्चा किया और बाद में विधायक की तरफ गुहार लगाए थे, तो ये कहाँ तक के सही है? वो बिजली का पैसा वो गांव वाले नहीं किया, वो भरा नहीं, वो नहीं भरा, तो इन्होंने भरकर वो ये समस्या का समाधान किया। आपको ऐसा लग रहा है कि वो समस्या का समाधान हो गया? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, उनके माध्यम से आपके इटखड़ा में कोई एक हद काम वगैरह कुछ हुआ है? काम अभी तक हुआ वगैरह नहीं हुआ काम वगैरह, कोई काम नहीं हुआ क्या? कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि आपके जो विधायक है वो कितने, यानी 1 से लेकर 10 नंबर तक के कितने नंबर दे पाएंगे आपने? जीरो वाला दे। जीरो ही नंबर है आपका? जीरो वाला है मेरे पास। अच्छा, आपका जीरो ही नंबर रहेगा। क्या नाम है आपका? दम्मा दिब्बापुरा डोंगरे। अच्छा डोंगरे जी, बताइए कि जो मनोहर चंद्रिकापुरे है इन्होंने युवा वर्ग को रोजगार देने के क्या 2 साल में कोई प्रयास किए? नहीं ना, कुछ नहीं, कोई प्रयास नहीं किए उन्होंने। अच्छा, क्या लगता है कि वो आपको यानी जैसा आपने उनको जिस तरीके से चुन के दिया है क्षेत्र में, तो वो आपके इसमें खरे उतरते कि नहीं उतरते? नहीं उतरते। नहीं उतरते हैं। अच्छा, कितनी दफा आपके गांव में आए हैं? एक भी बार नहीं दिखे। एक भी बार आपको नहीं दिखे? उन्होंने कहा 2 बार दिखे हैं, उन्होंने बताया लेकिन आपको नहीं दिखे, यानी उस समय आप मौजूद नहीं होंगे। क्या नाम है आपका? नितेश कावड़े। कावड़े जी, बताइए यहाँ के जो विधायक है मनोहर चंद्रिकापुरे, बहुत बार आए लेकिन खासदार के बारे में पूछो, एक भी बार नहीं दिखे, क्या है तब खास? हमारा जो विशेष प्रोग्राम है जहाँ न पहुँचे विधायक सांसद वहाँ पहुँचे MNS, ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है। में तालुके में भी तुमको मिला का खासदार हो, बताओ मेरे को, तुम मीडिया वाले हो ना, खासदार मिला का दिखे क्या अपने कभी? हम खासदार को ढूंढ ही रहे हैं, हम हर गांव जा जाकर ढूंढ रहे हैं कि खासदार मिले कि नहीं मिले करके। हमें तो बहुत बार आ गए इधर में चंद्रिकापुर। अच्छा सुनिए ना, नाइट को आता था, ये दिन में आता है। अच्छा, फर्क है, और वो खासदार को दिखा ही नहीं मेरे को। अच्छा, खासदार आपको दिखाई नहीं है, यानी सुनील मंडे जी कभी आपको इस एरिया में, तो आपको क्या लगता है आप खासदार को कितने नंबर देंगे 1 से लेकर 10? जीरो नंबर उसका। जीरो नंबर है उसका। और विधायक को? विधायक को 5-6 देंगे। 5-6 नंबर आप दे देंगे। तो दर्शकों, ये थे इटखेड़ा के जो कुछ लोग हैं जो इस गांव के रहवासी है, और उन्होंने बहुमतों से उन्हें विजयी किया था, लेकिन उनके जो कार्य पद्धति है उसके इससे उनकी जो इसमें वो खरे नहीं उतर पाए हैं। देखा दर्शकों आपने, यह थे इटखेड़ा ग्राम की जो जनता है जिन्होंने बहुमतों से इन्हें जिता के दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 2 बार प्रबल दावेदारी करने वाले राजकुमार बडोले, इनको इन्होंने सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके राजकुमार बडोले को इन्होंने हराकर राष्ट्रवादी का परचम लहराया था, लेकिन यह परचम लहराने में जो जनता ने इनका सहकार्य किया था, जो जनता ने इन्हें साथ दी थी, वोट दिया था, उनके क्या हाल कर रहे हैं यह वो लोग कहते हैं। अभी मैं इन्हीं के एक इलाके में पहुंचा था जो यह तिड़का करके गांव है, और यह अंतिम छोर पर बसा हुआ गांव है, क्योंकि उस गांव की जो सड़क है वह उस गांव में जाकर खत्म हो जाती है, और उसके बाद वहां केवल जंगली जंगल है चारों तरफ, उस गांव के बीचों बीच चारों तरफ जंगल है और गांव बीचों बीच बसा हुआ है। वह गांव की जनता क्या कहती है यह मैं आपको भी दिखा देता हूं।
दर्शकों नमस्कार, हमारी जो जहां न पहुंचे सांसद विधायक वहां पहुंचे एमएनएस की टीम। आज हमारी एमएनएस की टीम जो पहुंची है वह मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र का ही इलाके का गांव है और यह मोरगांव अर्जुनी तहसील से लगभग 27 किलोमीटर दूर गांव है। तिड़का करके गांव का नाम है और ये तिड़का गांव में जब हम पहुंचे तो यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई हुई आज से 10 साल पुरानी एक सड़क है जो काफ़ी जंजर हालत में पहुंच चुकी है और आवाजाही जो है इस गांव से दूसरे गांव को कोई रास्ता जाता नहीं है। तो जब अपन नवे गांव से धाबे पौनी रूट पर आते हैं तो वहां से जब ये अंदर की तरफ हम लोग मुड़े तो यह गांव में वो सड़क का जो अंतिम छोर है ये वो ये यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप इस तरफ देखेंगे तो इधर जंगल है और ये न्यू नवे गाँव नागझिरा सेंचुरी जो बनी है उसी का एक पोर्शन है। ये न्यू नवे गाँव के तहत में आता है। तो लगभग मेरे साथ आप मेरे पीछे देख रहे हो कई गांव वाले हैं और गांव वालों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि सांसद और विधायक या इनकी क्या क्या समस्याएं अब तक के सुलझा सके हैं, क्योंकि दोनों का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का कंप्लीट हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के पास यानी राजकुमार बडोले यहाँ पहले मिनिस्टर विधायक हुआ करते थे, विधायक जो थे यहाँ के वो मिनिस्टर हुआ करते थे और उनसे छीन कर सीट यहाँ की जनता ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पर्दे में डाल दी थी, जिसमें राष्ट्रवादी का उम्मीदवार विन हुआ और यह सोचकर डाले थे कि उनका विकास होगा यानी उनको विकास की धारा में जोड़ पाएंगे। यहाँ अभी क्या क्या समस्याएं हम गांव वालों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? तुलसीराम। तुलसीराम जी बताइए, आपके गाँव में लाइन वगैरह रहती है? लाइन तो रहती है और जाती भी है। अच्छा। हफ्ते में दो तीन बार जाती है तो बिल्कुल आती ही नहीं है। एक दो दिन लाइन आती नहीं इस गांव में। अच्छा मुझे बताइए, ये गांव जो है चारों साइड से जंगल के बीच में, चारों साइड तो जंगली जानवरों का कोई प्रॉब्लम यहाँ? जंगली जानवर का बहुत परेशान है, बहुत परेशानी होती है। अच्छा आपके जो खेती के जो नुकसान होता है जंगली जानवरों से उसका मुआवजा वगैरह कभी मिलता है? नहीं, आज तक तो किसी को नहीं मिला, मुआवजा वगैरह नहीं मिला। अच्छा बताइए, जो सांसद है मेंढे जी, उनसे आप इस गाँव में कभी मिले हैं? नहीं, अभी बहुत दिन से नहीं मिले। तो अभी आए थे क्या कभी? नहीं, अभी चुनाव के बाद कभी नहीं आए? नहीं, आए थे एक बार, आए थे चुनाव के बाद, एक बार आए थे, उसके बाद नहीं आए। अच्छा जो विधायक है चंद्रिकापुरी जी, वो चंद्रिकापुरी थे आए जी, वो अभी कब आए थे? अच्छा यहाँ जो ग्राम पंचायत की तरफ से रोड बनाए जा रहे उसके उद्घाटन के लिए आए थे? उद्घाटन के लिए आए थे वो केवल, बाकी ऐसे कुछ नहीं। अभी जो सड़कें बन रही है वो अभी बन रही है, पहले नहीं बनी थी क्या? नहीं, पहले कुछ भी नहीं था आपके गाँव में? कुछ भी नहीं था। आपके गांव में रोजगार का क्या साधन है? क्या नाम है आपका? मेरा त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद जी बताइए, गांव में शिक्षा और रोजगार कैसे हैं? शिक्षा तो ठीक है, बच्चों का, बच्चों के लिए यानी यहाँ स्कूल वगैरह प्राथमिक स्कूल है? हाँ। और फिर बाद में पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं बच्चे? बच्चे फिर पौनी, ढाबे पौनी जाना पड़ता है। तो फिर यहाँ बस वगैरह आती है? हाँ आती है। कितने दफा आती है, यानी बच्चों के लाने ले जाने के लिए काम होता है? दोनों टाइम आती है, शाम को और सुबह बस जरूर आ जाती है आपके गाँव में। अच्छा जो सड़क की हालत खराब है उसके बारे में कभी आपने कुछ किसी को बताया सरकार को? हाँ। तो उसमें कुछ उन्होंने कुछ नहीं किया क्या अभी तक? अभी सड़क का निर्माण अभी तक के कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? परदेशी। परदेशी जी बताइए, आपके गांव में विकास कितना हुआ लगता है आपको? विकास तो कुछ नहीं हुआ जी, मैं तो वो बोडेल मंत्री था ना, उसके सामने में मैं खड़ा होकर उसको भाषण दिया था ये रोड के बारे में। रोड के बारे में? हाँ जी। फिर उन्होंने कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया करके आपने उनका डब्बा गुल करवा? हाँ। लेकिन अभी जो विधायक है उनको वो भी तो वैसे ही कर रहे हैं? वो भी आया नहीं ना, यहाँ नहीं आया, अभी उद्घाटन के लिए आए थे खाली वो। हाँ। अच्छा मेंढे जी कितने दफा आए आप? नहीं यहाँ आए थे, नहीं चुनाव के एक ही बार आया था, चुनाव के पहले नहीं तो वहाँ से आया था। उसके बाद कभी आपके गांव में झांके भी नहीं देखा? नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? सुखदेव मीरे। जब आपको अभी जैसे किसानी के जो 7-12 वगैरह लेना रहता है तो वो पटवारी वगैरह आपको मदद करता है कि नहीं करता? करता है। कहाँ का पटवारी है आपका? ये दासी नगर। तो झांसी नगर जाना पड़ता है। तो जैसे खेती का मुआवजा वगैरह मिल जाता है बराबर? ओ मिलता नहीं जी, वो एक आध पक्के जाना तो वो आता है चौकसी तो वो मिल जाता है, कभी कभी नहीं तो मिलता भी नहीं। अच्छा जो विधायक है चंद्रिकापुरी जी, इनको कभी आपने समस्या बताई है लाइन वगैरह की कभी? अब बताए ना जी। फिर क्या बोलते हैं वो? वो हो जाएगा बराबर बोलता है। अच्छा, बराबर हो जाएगा बोलते हैं पर वो कुछ करता भी नहीं, करते नहीं है। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके गांव में पीने के पानी की 10 साल पहले टंकी बनी हुई है? हाँ, पानी की। हाँ, और कनेक्शन अभी बांटे जा रहे हैं? हाँ, तो उनका पैसा वगैरह ले रहे हैं? नहीं अभी पैसा तो नहीं ले रहा है, लेकिन लेंगे बाद में।
हाँ, बाद में वो 180 रुपया महीना बोल रहा है। अच्छा, वो लेने वाले हैं पानी का पैसा लेंगे। हाँ। कुमरे जी बताइए, गांव में सबसे जो समस्या है जंगली जानवरों के बीच में आप लोग रहते हैं, तो इसके लिए कभी कोई जैसे किसी पर हमला हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में विधायक वगैरह कभी आते हैं? कुछ नहीं साहब, वैसे वो विधायक तो आज तक हम जानवरों के बारे में खत्म कहीं जंगल में चरने जाते हैं। अभी एक दो गैया मर गया, उसका पंचनामा भी हुआ और कुछ भी हुआ, लेकिन उसका कोई मुंह बदला मिला ही नहीं, भरपाई नहीं मिली आपको अभी तक के? नहीं नहीं, यानी ये जैसी जो आपकी जो समस्या है ये विधायक को या किसको बताएं? विधायक को जाएंगे, विधायक के पास और हो जाएगा काम, हो जाएगा बोलते फिर। अच्छा, हम हो जाएगा अगर वापस आ जाते हैं, यानी फिर कैसा होता, आप एकदम अंदर रहते तो उतना ये भी नहीं उनके पास नजीक जाने को हेल्पर रहते हैं ना। अच्छा, वही भगा देता है, छुट्टी वाला है हाँ करते तो करते जेवन करते। अच्छा, इस तरीके का बर्ताव करते हैं। क्या आपकी क्या समस्या है? युवाओं के बारे में, यहाँ में रोड होना चाहिए अच्छा, शिक्षण के लिए कुछ पुस्तक वगैरह। अच्छा, यहाँ किताबें वगैरह मौजूद नहीं रहती? नहीं, कुछ भी। अच्छा, जो आपके यहाँ छोटे बच्चों के लिए अभी कैसा कोविड के बाद नहीं क्या खिचड़ी वगैरह देना बंद कर दिया था पोषक आहार? हाँ। तो डायरेक्ट उनके घर वालों को वो सामान दे दिया जाता, तो सामग्री वितरित होती है? सामान तो मिल रहा है अभी। अच्छा, अच्छी क्वालिटी रहती है उसकी? ये तो अभी तो स्कूल के बारे में अच्छा तो मिल रहा है, लेकिन वो रोड इधर का, ये रोड एक समस्या, हमारे जैसे नौजवान लड़के रोजगार करते हैं। अच्छा। उनको पुलिस भर्ती भी लगना चाहिए, किसी को शिक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, 12वीं 11वीं पढ़ते हैं, यानी जो मुख्य धारा से युवा वर्ग भी रुके पड़े हैं यहाँ। ये रोड यानी बिल्कुल गड्ढे है, बहुत बड़ी समस्या। तो ये हमारे गाँव के बच्चे कहाँ तक डिलीवरी का पेशेंट आप? हाँ, डिलीवरी रास्ते में तो फाटे तक तो चले जाते हैं, पैदल आते। उधर अच्छा प्लेन है, उधर तो भागते ही होंगे लड़के, फिर इधर में तो पूरा गड्ढे के गड्ढे है। अच्छा, कैसे भागते होंगे? तो दर्शकों, ये थे तिड़का ग्राम के लोग जो मुझसे विधायक और सांसद के कार्यशैली पर चर्चा कर रहे थे। दर्शकों, जो सड़क हमने आपको बताई है, जो आपको सड़क दिखाई जा रही थी बाजू के स्क्रीन में, वो काफ़ी बड़ी खस्ता हालत में सड़क है, और यह सड़क ही इस गांव का विकास जो है वो रोकिए हुए है, क्योंकि आने जाने के लिए जो रास्ता होता है वो काफ़ी खराब हालत में बना हुआ है, जिस वजह से उस गांव वाले उस सड़क से जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और लगभग ऐसी कई समस्याएं, बिजली है, पानी है और स्वास्थ्य सेवाएं है, ये बहुत सारी समस्याओं को जूझते हुए ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं कैमरामैन नीलेश पशिने के साथ MNS न्यूज़ के लिए तिड़का से। तो ये थे तिड़का गांव के लोग, और इटखेड़ा गांव के लोग थे। यहाँ मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के चंद्रिकापुरे जो विधायक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक है, और उन्हीं के लगभग आजू बाजू में ही जहां उनका विधानसभा क्षेत्र है, जहां उनका रहने का निवास स्थान है, उसी से महज ये 10-12 किलोमीटर की दूरियों पर बसे हुए गांव है, और उनमें यह इतनी सारी समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ है, ऐसी समस्याओं को दूर करने की बजाय विधायक महोदय अपने ही कामों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रहिए MNS न्यूज के साथ।